हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजीजे और मैं आपका दोस्त अमजद ताहिर। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 5 सेकंड। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारा पहला सवाल, शादी की अंगूठी हमारे उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, शादी की अंगूठी हमारे उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि इसकी नस सीधे दिल से जुड़ी होती है। हमारा दूसरा सवाल, दिमाग पर शराब का असर होने में कितना समय यानी टाइम लगता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, दिमाग पर शराब का असर होने में सिर्फ 6 मिनट का समय यानी टाइम लगता है। हमारा तीसरा सवाल, कौन से जानवरों का पासपोर्ट बनाया जाता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, ओलंपिक में भाग लेने वाले घोड़ों का पासपोर्ट बनाया जाता है। हमारा चौथा सवाल है, भारत के किस राज्य में सिर्फ एक ही जिला यानी डिस्ट्रिक्ट है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, भारत में लक्षद्वीप राज्य में सिर्फ एक ही जिला है। हमारा पांचवा सवाल, भारत में महिलाओं के साड़ी पहनने का चलन किसने शुरू किया था? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, भारत में साड़ी पहनने का चलन मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की यूनानी पत्नी हेलन ने शुरू किया था। हमारा छठा सवाल, हवा यानी ईयर कब तक आवाज नहीं करती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, हवा तब तक आवाज नहीं करती जब तक वे किसी वस्तु के विपरीत दिशा में नहीं चलती। हमारा सातवां सवाल, टमाटर का रंग पकने के बाद लाल क्यों हो जाता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग पकने के बाद लाल यानी रेड हो जाता है। हमारा आठवां सवाल, कोलकाता पुलिस के लिए सफ़ेद वर्दी का चुनाव किन लोगों ने और क्यों किया था? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता पुलिस की वर्दी का रंग सफ़ेद चुना गया क्योंकि यहाँ गर्मी और नमी बहुत ज़्यादा रहती है और सफ़ेद रंग का कपड़ा कम गर्मी अवशोषित करता है। हमारा नौवां सवाल है, कौन सा जीव शिकारियों के मल को सूंघकर अपने मर्द यानी मरे हुए रिश्तेदारों का पता लगा सकते हैं? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, खरगोश एक ऐसा प्राणी है जो शिकारियों के मल में अपने मर्द यानी मरे हुए रिश्तेदारों को सूंघ सकते हैं। दसवां और आखिरी सवाल खास आपके लिए, आई लव यू को राजस्थान में क्या कहते हैं? दोस्तों, आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दीजिए इजाज़त, बाय बाय, गुड डे।